डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और रोएट्स ला के बेसिस पर किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमारी जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो क्या होती है। अब स्ट्रेटजी से मेरा मतलब क्या है भाई, अब स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल देखते ही हो जाता है कि सर न्यूमेरिकल हमसे सोल्व नहीं होते। उसका एक रीज़न है भाई, क्योंकि उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमारी एक स्ट्रेटजी होती है, एक स्टेप बाई स्टेप हमें चलना होता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है वो भी मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि बेसिकली अगर कोई न्यूमेरिकल आपको गिवन है उसको सोल्व करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले आपको रिलेशन बताता हूं मैं टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको रोएट्स ला बताया था भाई, स्टूडेंट का कमेंट आ जाता है कि सर ये जो टॉपिक है ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये टॉपिक आप क्यों बता रहा हूँ। तो भाई मैं आपको बता दूँ, कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब वो इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं जो आगे आने वाला टॉपिक है। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको रोएट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट बताया था, वो लेक्चर जिसने देखा है, वो स्टेप जिसने देखा है, आज वाली जो प्रॉब्लम है भाई जो हम आज वाले इसके लिए एक्सप्रेशन करेंगे टोटल वेपर प्रेशर के लिए, वो उसको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वो आपको पिछले लेक्चर में करवा गया है, वहाँ पर जो वोलेटाइल सॉल्यूट उसके लिए रोएट्स लॉ क्या कैसे फॉलो होता है वो सारी चीज़ें जो है पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ मैं। तो इसलिए इस लेक्चर के अंदर सिंपली आपको जो रिलेशन डिराइव करना हो बहुत स्मूथली आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। तो बात क्या है हमारी, टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। जैसा कि आपको मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, चाय से, चाय बोल देता है कोई, इसको काई बोल देता है, ठीक है वो आपकी मर्जी है, कोई इसको एक्स भी बोल देता है बेसिकली। तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं कैसे है। अब मान लिया दो कंपोनेंट हमारे पास, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। हालांकि ये बात मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन एक मिनट लगेगी भी, अगर किसी को नहीं पता तो उसको आ जाएगी अच्छे से। तो दो कंपोनेंट है ए और बी, इसके नंबर ऑफ मोल है मान लिया n1, इसके नंबर ऑफ मोल्स है n2। हमें सपोज करो मोल फ्रैक्शन निकालना है a का, तो इसको चाहिए लिख लूंगा मैं, तो चाहिए किसके बराबर हो जाएगा, इस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर चाहिए b हमें निकालना है तो चाहिए b के लिए क्या ले लेंगे, जो सेकंड कंपोनेंट है उसके मोल ऊपर आ जाएंगे डिवाइड बाय टोटल मोल्स, इसको क्या ले लूंगा मैं n2 बाय n1 प्लस n2। अब आप बोलोगे सर ये बात क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि वहां पर हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे तो इस तरीके से निकाल रहे थे। अब हम किसकी बात करें, टोटल वेपर प्रेशर की इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर चाई की जगह हम वाई ले लेंगे, जो वेपर प्रेशर होगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ए का वो क्या रहेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड के लिए क्या रहेगा वाई बी का, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस प्रकार से जो आप इसको कर लेंगे, ये बात आप याद रखेंगे हमेशा, मैंने पहले बताया है वाई ए प्लस वाई बी ये हमारा क्या रहेगा, इक्वल्स टू वन रहेगा। अगर हमें सपोज कीजिए वाई की वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू पता है तो वाई ए, तो हम क्या कर सकते हैं वन माइनस वाई बी, या फिर वाई बी निकालना है वाई ए की वैल्यू पता है तो वन माइनस ए वाई ए। ये दो वैल्यूज जो आप याद रखेंगे, क्योंकि रिलेशन में हम अगर कहीं पे वाई ए है तो उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं वन माइनस वाई बी, और अगर कहीं पे वाई बी है तो उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं वन माइनस ए वाई ए। क्लियर है, तो एक्सप्रेशन हमें पता है भाई अकॉर्डिंग टू रोएट्स लॉ। आपने रोएट्स लॉ पढ़ा है, रोएट्स लॉ क्या कहता है, पी ए इज इक्वल टू चाई ए पी नो बी, क्या कहता था रोएट्स लॉ, इट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये पी नोट का निशान है भी ऐसे, ये प्योर को डिनोट कर रहा है कि अगर आप क्या करोगे किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन को अगर आप उसके प्योर के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका पार्शियल प्रेशर आ जाता है कंपोनेंट का, ठीक है, या वेपर प्रेशर आ जाता है। पीबी आप कैसे निकालोगे,
चाई बी पी नोट बी। क्लियर है। अगर हमें क्या निकालना हो, टोटल वेपर प्रेशर, क्या निकालना हो भाई, टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे ले लोगे भाई आप? मैंने बताया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या फिर इसको मैं क्या लिखता हूं, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीवी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी टी इज इक्वल टू पीए प्लस पीवी, या फिर टी इसको डिनोट कर रहा भाई टोटल, ठीक है, तो टोटल हमारा ये होगा। अब पीए की वैल्यू पुट कर दीजिए, पीवी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पी टी निकाल लेते हैं हम, पी टोटल क्या हो जाएगा भाई, चाई ए पी नोट ए प्लस चाई बी पी नोट ए, ठीक है। अब इसके लिए मैंने अभी बताया था भाई, वेपर प्रेशर के लिए हम इसको चाई ए और चाई बी को क्या मान लेते हैं, वाई ए और वाई बी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फोर एक्सप्रेशन लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाई, उसको किससे डिनोट कर लेते हैं भाई, वाई ए एंड वाई। क्लियर है, मतलब चाय ए की जगह वाई ए ले लिया, चाय बी की जगह वाई बी ले लिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दें, टोटल वेपर प्रेशर इज, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पे चाय ए की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई ए, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको भी, टोटल वेपर प्रेशर की बात चल रही है, टोटल वेपर प्रेशर क्या था हमारा, ई टी इज इक्वल टू चाहिए की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई ए इंटू पी नोट ए, चाहिए की जगह क्या पुट कर देंगे, प्लस में वाई बी पी नोट। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे, अब हमें मान लिया वेपर प्रेशर निकालना है ए का, या वेपर प्रेशर निकालना है बी का, ए का कैसे निकालोगे आप, वाई ए इसके बराबर हो जाएगा, ये जो टोटल इसके डिवाइड में पी नोट ए आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, वाई ए इक्वल टू पी टी अपॉन पी नोट ए। ऐसे ही बी का कैसे क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है, तो वाई बी का कैसे हो जाएगा, वाई बी ये पी नोट बी इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी टी अपॉन वाई बी पी टी अपॉन पी नोट। अब अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना हो ए और बी का, तो क्या लिखेंगे, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी इज, ए के लिए क्या हो जाएगा भाई, उसका जो वेपर प्रेशर अपॉन में जो टोटल का जो वेपर प्रेशर है, अब ये पी बार बार लिखो या ना लिखो, ये आपको बस समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि मैं इसको पी लिखूंगा, कैपिटल पी, ठीक है। वाई बी के लिए पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, वाई बी का पार्शियल प्रेशर पी बी अपॉन पी, ठीक है। अब हम आगे लिख देंगे, पी ए को क्या लिख सकता हूं मैं भी, पी वाई ए, और पी बी को क्या लिख सकता हूं मैं, पी वाई। देखिए यहां से पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, जो P है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, P लिख लो इसको, अगर टोटल को डिनोट करना चाहो Y से के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी प्रकार से B का हुआ पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो Y B के साथ मल्टीप्लाई, इसको P लिख लो, ठीक है। अब P लिखो या ना लिखो, मैंने पहले ही बता दिया, मैं इसको कैपिटल P लिखूंगा आगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इन वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट कर दूं, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये मान लीजिए क्या इक्वेशन नंबर वन थी, पी ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, पी बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, put these values in equation 1, तो पी ए क्या है अभी हमारा, चाहिए पी नोट ए, पी ए क्या है अभी हमारा, पी वाई ए, तो दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूं मैं, तो क्या लिख दूंगा भाई, चाई ए पी नोट ए बराबर है पी वाई ए, पी टी वाई ए लिख लो या पी वाई ए, फिर दूसरी तरफ चाई बी पी नोट बी, इसको क्या लिख दूंगा मैं, पी वाई लिख सकता हूँ।
ठीक है। अब एज टोटल वेपर प्रेशर इज, टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है भाई हमारा, पी चाई ए पी नोट ए प्लस चाई बी पी नोट बी। अब चाई ए की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, ये ऐसे था चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू वन, चाई ए को क्या लिखता आप वन माइनस ए चाई बी। ये रिलेशन मैंने पिछले लेक्चर में करवा था भाई मोलर टाइम के लिए, यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा जिसने पिछला लेक्चर देख रखा है। तो मैं चाहिए कि ये क्या कर सकता हूँ, वन माइनस ए चाई बी, तो पी क्या आ जाएगा भी हमारा वन माइनस चाई बी मल्टीप्लाई में क्या हमारा पी नोट ए प्लस चाई बी पी नोट बी। ठीक है, अब पी नोट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दू तो पी क्या आ जाएगा भी हमारा, फिर बता रहा हूँ पी पी ये टोटल निकाल रहे हैं, पी नोट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी नोट ए माइनस चाई बी पी नोट ए प्लस चाई बी पी नोट बी। ठीक है, अब इसमें चाई बी यहाँ पे भी है चाई बी यहाँ पे भी है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से चाई बी अगर हमको मन निकाल लें, चाई बी की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ, चाई बी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, चाई बी को मन निकाल लिया हमने, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ पी नोट ए को इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा P माइनस पी नोट ए अपॉन में पी नोट बी माइनस पी नोट ए। यहां से हमारी ये वैल्यू आ गई किसकी भाई, चाई बी की। अब इस वैल्यू को पुट कर दूंगा भाई मैं इक्वेशन नंबर दो में, तो कौन सी भाई हमारी इक्वेशन नंबर दो, ये है हमारी, ये हमारी इक्वेशन नंबर दो, यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा भाई अब चाई बी की वैल्यू पुट करूंगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैं चाई बी की वैल्यू लिख देता हूँ, तो हमारी वैल्यू आई क्या है चाई बी किसके बराबर है हमारा कैपिटल बी माइनस पी नोट ए अपॉन पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है चाई बी की वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन दो में पुट कर दिया तो क्या लिखेंगे हम इसको पी वाई बी इसके बराबर होगा पी माइनस पी नोट ए अपॉन पी नोट बी माइनस पी नोट ए मल्टीप्लाई में क्या हमारा पी नोट बी। क्यों भाई, क्योंकि पी वाई बी किसके बराबर था हमारा चाई बी पी नोट बी, मैंने यहाँ पर चाई बी की वैल्यू पुट कर दी है, चाई बी किसके बराबर है पी माइनस पी नोट डिवाइड बाई पी नोट बी माइनस पी नोट ए मल्टीप्लाई में क्या आ रही है हमारा पी नोट ए बी। ठीक है, अब क्या करूं मैं इसको इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, तो क्या हुआ हमारा इसको अगर मैं इस तरफ ले आता हूं पी वाई बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये जो डिवाइड में था हमारा पी नोट बी माइनस पी नोट ए, मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई में ले आया हूं, पी नोट बी माइनस पी नोट ए इक्वल्स टू ये किसके बराबर होगा पी माइनस पी नोट ए और मल्टीप्लाई में क्या भी हमारा पी नोट ए बी। ठीक है, अभी यहाँ पे भी कैपिटल पी है, यहाँ पे भी हमारा कैपिटल पी है, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको कैपिटल पी बाहर ले लूंगा, अंदर में क्या ले लूंगा वाई बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अब यहाँ पर पी नोट बी है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या आता है पी नोट पी इंटू पी नोट बी इंटू में पी नोट बी इंटू पी नोट ए। ठीक है, तो पी नोट बी को मैं इस तरफ ले आता हूँ जो माइनस में हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा क्योंकि कॉमन ले लिया इसके साथ वाला जो पी नोट बी है मैं इस तरफ ले आता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस पी नोट बी इक्वल टू किसके पुट कर देंगे हमारा अभी किसका है माइनस का माइनस पी नोट ए और मल्टीप्लाई इसके साथ ये पी नोट बी। ठीक है, दोबारा देखो भाई पी नोट बी को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा पी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू पी नोट बी, ये तो हमारा ये है या पी हमने ये ले लिया था और पी नोट बी इसके साथ वाला इस तरफ आके हमारा माइनस का होगा, तो इस तरह से हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। फर्दर इसको सिंपलीफाई करेंगे पी इज इक्वल टू वाई बी, अब ये जो पी नोट ए है ये माइनस का है ये पी नोट ए है ये भी माइनस का, अगर मैं इनको चेंज कर दूं मान लीजिए माइनस वाला इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा इस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा P नोट A प्लस का होगा इस तरफ आगे माइनस P नोट B क्योंकि ये भी P नोट B है ये भी P नोट B है। ठीक
ठीक है, किसके इक्वल पुट कर देंगे। अब इस पर ऐसे भी याद कर सकते, साइन इनवर्ट कर दो आप, इस इनके साइन इनवर्ट कर दो तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का था ये माइनस हो गया, माइनस का था ये प्लस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा p नॉट b, और ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा p नॉट a इनटू p नॉट b। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे भैया, हमें p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो p क्या लिख दूंगा मैं, p इज इक्वल टू p नॉट a इनटू p नॉट b। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, p नॉट b प्लस p नॉट a माइनस p नॉट b, और ये क्या आ गया हमारा y। यह आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को और सिंपलीफाई करेंगे हम, ठीक है, क्या लिखेंगे, 4 मोर सिमेट्रलाइजेशन, फॉर मोर सिमेट्रलाइजेशन इनवर्ट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करने से क्या होगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन p, इसको जब मैं 1 अपॉन में ये लिखूंगा तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, p नॉट b प्लस p नॉट a माइनस p नॉट b y b अपॉन, ये नीचे आ जाएगा p नॉट a इनटू p नॉट b। अब हम इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 1 by p इज इक्वल टू p नॉट b प्लस, मैं इसको आगे क्या ले लूंगा भाई, 1 माइनस y b, और इसको साइड ले जाऊंगा प्लस p a इनटू p नॉट a इनटू y b, ये हमारा y b मल्टीप्लाई में था p नॉट a के साथ, अपॉन में क्या था भाई हमारा p नॉट a इनटू p नॉट b। अब इसको और फर्दर सिंपलीफिकेशन के लिए, अब जो p नॉट b है भाई, ठीक है, 1 माइनस y b, अब y a प्लस y b क्या था, 1 y a क्या हो जाएगा, 1 माइनस का y b, तो यहाँ 1 माइनस y b किसे क्या कर सकता हूँ मैं, y b और y a और सिंपलीफाई करते हैं इसको, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 1 by p is equal to p नॉट b into में हमारा क्या आ गया भाई, y a plus p नॉट a, ये हमारा पहले y b था, अपॉन में p नॉट a into p नॉट b, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा भाई p नॉट b इंटू वाई ए प्लस पी नोट ए इंटू वाई बी, डिवाइड कर दो क्या है, पी नोट ए इंटू पी नोट बी से, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं अब क्या लिखता हूँ, वाई ए के अपॉन में पी नोट ए और वाई बी के अपॉन में पी नोट बी, तो क्या ले लूंगा, 1 बाई पी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नोट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नोट बी, क्यों भाई, बिकॉज वाई ए प्लस y भी हमारा किसके इक्वल था, 1, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया था, ठीक है। अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं, तो क्या इक्वेशन आ गया हमारी, 1 by p is equal to y a upon p not a plus y b upon p not b, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा भाई आपका, जो टोटल वेपर प्रेशर निकालना हमने इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बेसिस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था भाई, जो भी न्यूमेरिकल आपको गिवन होता है उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी होती है, तो स्ट्रेटेजी आपको कैसे फॉलो करनी है वो आप देखिए। सपोज करिए कोई न्यूमेरिकल आपको गिवन है 1.5 मोल्स ऑफ चेरी पूल एड आर एडिड टू ए पिचर containing 2 liter of water, क्या कहता है भाई कि हमारे 1.5 मोल चेरी पूल एड है, उसको ऐड किया गया है जिसके अंदर हमारा पिक्चर है 2 लीटर ऑफ वाटर हमारा प्रेजेंट है ऑन ए डे एट 25 डिग्री सेल्सियस। उस दिन जो टेम्परेचर है भाई नॉर्मल हमारा जितना रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसने दिया क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अलोन इज 23.8 mm ऑफ Hg, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 23.8 mm ऑफ Hg है,
एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द न्यू वेपर प्रेशर ऑफ कूल एयर। हमें क्या बताना भी कि जो नया वेपर प्रेशर आएगा कूल एयर का वो हमारा क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें इसके अंदर निकालना क्या है। जैसा कि इसने बोला भी हमने क्या निकालना है, न्यू वेपर प्रेशर निकालना है कूल एयर का। तो एक चीज तो कंफर्म है भाई, वेपर प्रेशर के लिए हम रॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। रॉयल्स लॉ क्या था भाई हमारा, पी ए इज इक्वल टू चाई ए इंटू पी नॉट ए। इसने क्या पूछा है नया वेपर प्रेशर क्या है, दिया क्या इसने प्योर का वेपर प्रेशर। प्योर का कितना दिया इसने, वाटर अकेले वाटर का वेपर प्रेशर कितना, 23.8 mm of Hg। तो अगर हमें ये निकालना है ये वैल्यू हमें गिवन है तो केवल एक वैल्यू बचती है जो हमारे पास नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अगर हम वाटर के मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नया वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो हमारे पास बस काम क्या बचता है, केवल कि हमने चाई ए निकालना बचता है, ठीक है। तो पी ए किसके इक्वल होगा हमारा, चाई ए टू पी नॉट ए। अब हम क्या करेंगे, पहले तो जो वैल्यू जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम, कि जो प्योर का जो वेपर प्रेशर है इसको मैं पी नॉट एस को लिख लेता हूँ। कितना भी हमारा 23.5 mm, ये वैल्यू हो गई हमारी इसकी वाटर की। और चाहिए निकालना है लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, 2 लीटर वाटर, जो 2 लीटर पानी है हमारा वो गिवन है। तो पहले हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे भी, मोल निकालने पड़ेंगे। जैसा कि हमें पता है चाहिए किसके बराबर होगा, Na/Na+Nb, इसके बराबर होगा, यानी वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ H2। जैसा कि आपको पता मोल किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे भी एग्जामिनर ने अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया, उसने वेट नहीं दिया, उसने वाटर किस में दे दिया, लीटर में दे दिया। उसने क्या दे दिया, वाटर का वॉल्यूम दे दिया, उसका वेट ना दे करके हमें क्या दे दिया, उसका वॉल्यूम दे दिया। तो वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। जैसा कि आपको पता है डेंसिटी भी वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर लीटर होती है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इस तरफ आ जाएगा। अब 2 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2000 ml भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो हमारा इसका मास कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी में ग्राम बच जाएगा हमारा। तो मोल्स निकाल लेंगे भाई, मोल्स किसके बराबर है, वेट होगा हमारा 2000 ग्राम, मोलर मास वाटर का कितना, 80। तो यहाँ से इसके मोल आ जाएंगे 110.9 मोल, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, चाई H2O किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कूल चेरी। कूल चेरी था ना हमारा, ठीक है, या चेरी कूल एड जो भी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे, 110.9 अपॉन 110.9 प्लस इसके मोल कितने इसने स्टार्टिंग में दिए, 1.5 मोल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.9 0.9799, ठीक है। अब काम क्या बच गया हमारा, चाहिए आ गया हमारे पास, तो पी ए क्या आ जाएगा, चाई ए इंटू पी नोट ए। चाहिए की वैल्यू कर दीजिए, 0.979 मल्टीप्लाई में पी नोट ए की वैल्यू कितनी दी हमारी, 23.8 mm। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो नया वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 23.3 mm of Hg। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है भाई यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल आपको गिवन, अगर आपको कॉन्सेप्ट उसका पता, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर उसको आपको पता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है उनके लिए जो रिलेशन डिराइव करना है और उसके बेसिस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।